रविवार रात छोटी ग्वालियर क्षेत्र के एक होटल के कमरे में युवक की लाश मिलने की सनसनीखेज वारदात सामने आई। मृतक युवक भोपाल का रहने वाला है और एक दिन पहले ही होटल में आकर रुका था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बा अस्पताल भिजवाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना छोटी ग्वालडोली थाना क्षेत्र की होटल अशोका की है, जहां शनिवार को भोपाल निवासी पृथ्वीराज सोनारे आकर रुका था। रविवार को उसे चेकआउट करना था, लेकिन जब वो बाहर नहीं आया तो होटल के कर्मचारी ने दरवाजा खटखटाया, जो अंदर से बंद था। खिड़की से देखने पर पृथ्वीराज पलंग पर पड़ा दिखा, तब पुलिस को सूचना दी गई। मृतक के पास से शराब की बोतलें भी मिली, संभावना है कि अधिक शराब पीने से मौत हुई होगी। मौके पर पुलिस शव को एमवाय अस्पताल भिजवाकर जांच पड़ताल शुरू करी। वहीं पृथ्वीराज की मौत कैसे हुई, इसके कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। कल शाम को एक पृथ्वीराज करके भोपाल से आए थे, 5 बजे होटल अशोका में उनने अपने एंट्री कराई थी रजिस्टर में और यहीं ठहरे हुए थे। फिर आज वो शाम को बोला था कि चेकअप में जाऊंगा, तो वहां का मैनेजर जो है चेकआउट करने के लिए गया तो वहाँ दरवाज़ा नहीं खोला, तो फिर पीछे खिड़की थी, खिड़की से झांक के देखा तो मृतक जो है पलंग में लेटा हुआ था मृत अवस्था में, फिर दरवाज़ा बंद था, पीछे से खिड़की थी उससे घुस के फिर दरवाज़ा खोला तो और मृतक पड़ा हुआ मिला है। शराब की बाटल भी रखी हुई है, गिलास में पानी वगैरह भी भरा है, दाल सब्जी भी रखी हुई है। ऐसा लगता है सुसाइड है, ज़्यादा दारू वगैरह पी ली इसके कारण जो है, जहरीला पदार्थ अभी नहीं बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। कल ऑफिशियल पार्टी आएगी, वो जांच करेगी, वो जांच का विषय है। रहने वाला भोपाल का 203, इसका नाम पृथ्वीराज सिंह, पिता बद्री सोनारे, काम ये कैटरिंग काम करते हैं। हाँ, महादेव सिंह भदौरिया उप निरीक्षक।